गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों, हम लोग व्याकरण से पाठ 3 शब्द विचार पाठ के बारे में पढ़ रहे हैं। बच्चों, हमारा ये पाठ पूरा हो गया। आज हम लोग जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा पाठ 3 में शब्द विचार, शब्दों के बारे में, शब्दों के वर्गीकरण और प्रत्येक वर्गीकरण में शब्दों के कितने प्रकार हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग इस पाठ का सारांश देखेंगे और इस पाठ से संबंधित जो बुक में अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं उनको भी देखेंगे और आज ये पाठ पूरा हो जाएगा। बच्चों, जो कुछ भी हमने कराया, जो कुछ भी समझाया, जो होमवर्क दिया, उसको कॉपी में कर लेना। आज हम फिर से हर प्रश्न भेजेंगे, उसकी कॉपी भेजेंगे और अभ्यास के प्रश्नों की भी फोटो कॉपी भेजी जाएगी, तो इसको भी अपनी फेयर कॉपी में कर लेना। ठीक है बच्चों, तो हम लोग शुरू करते हैं इस पाठ 3 शब्द विचार का सारांश और उसके अभ्यास के प्रश्नों को समझा जाएगा। चलो देखते हैं कि पाठ का सारांश क्या है और अभ्यास के प्रश्न कौन कौन हैं, किस प्रकार के हैं। तो देखो बच्चों, इस पाठ में हम लोगों ने देखा वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। दूसरा है, शब्दों का वर्गीकरण 5 आधारों पर किया गया है। रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। जैसा तुम देख रहे हो, आगे बताया गया उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद बताए गए, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। आगे है, अर्थ के आधार पर शब्दों के 6 भेद बताए गए, एकार्थी, पर्यावाची, विपरीतार्थी, अनेकार्थी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। 6 है, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। देख रहे हो, लिखा है विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इन शब्दों को विकारी शब्द कहा जाता है। अविकारी शब्द 5 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ठीक है बच्चों, लास्ट है, प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य और तकनीकी शब्द। तो ये तो है तुम्हारा पाठ 3 शब्द विचार का सारांश जो हमने पढ़ा। अब आगे देखते हैं बच्चों, इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न तुम्हें दिए गए हैं। देखो, शब्द किसे कहते हैं? शब्दों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है? निम्नलिखित के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? ये प्रश्न तुम्हें दिए गए हैं। आज देखो, इसका भी उत्तर लिख लेना। विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं?
इन सारे शब्दों के, इन सारे प्रश्नों के उत्तर तुम अपने क्लास वर्क की कॉपी में जरूर लिख लेना। आगे हम देखते हैं अभ्यास के प्रश्न, इसे भी तुम्हें अपने क्लास वर्क की कॉपी में करना है। तो सबसे पहला प्रश्न है बेटा, सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। सबसे पहले दिया है शब्दों की रचना किससे होती है। देखो दिया है वर्णों की संख्या से, वर्णों के सार्थक मेल से, वर्णमाला से, शब्दों के मेल से। तो सही क्या होगा बच्चों, वर्णों के सार्थक मेल से शब्दों की रचना होती है। दूसरा दिया है जो शब्द हिंदी में संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हैं वे कहलाते हैं। जैसा तुमको मालूम है उसको तत्सम कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन तुम्हारा बहुत दिया है, तद्भव, देशज, विदेशी सब दिया है, और सही क्या होगा बेटा, तत्सम। तीसरा है रचना के आधार पर शब्द भेद कौन सा है। रचना के आधार पर शब्द तुम्हें मालूम है रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। चौथा में दिया है दमी, तीनों भी रचना के आधार पर हैं, यही सही है, इसी पर टिक लगाना है, ठीक है बेटा। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित में संकर शब्द है, घड़ियाल, घड़ीसाज, फिजूल और घरेलू। तो क्या शब्द होगा बेटा सही, घड़ीसाज। संकर शब्द जिसमें दो शब्द दो भाषाओं से मिलकर के कोई शब्द बनता है दो भाषाओं से, तो ये संकर शब्द है। तो घड़ीसाज जो है तुम्हारा संकर शब्द है। अब घड़ीसाज में देखो दो भाषा कौन है, घड़ीसाज जैसा हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, घड़ी जो है हिंदी शब्द है और साज अरबी शब्द है, तो यह है तुम्हारा संकर शब्द। पांचवा है निम्नलिखित में अविकारी शब्द है, निम्नलिखित में अविकारी शब्द है कौन, धीरे धीरे, रंगीला, आगरा, तुम्हारा। तो धीरे धीरे शब्द अविकारी है क्योंकि धीरे धीरे शब्द कभी बदलता नहीं है, हर लिंग में हर काल में सब में धीरे धीरे शब्द लगाया जाता है। अब देखो अगला एक प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए गए उचित शब्दों से कीजिए। दिया है भगनी शब्द का तद्भव रूप है, क्या होगा बच्चों, यहाँ टिक लगा है बहन, इसको भर लेना। टिकट घर शब्द है, टिकट घर शब्द क्या, कौन सा शब्द कहलाता है, कौन सा शब्द है, देशज या संकर, तो होगा संकर शब्द। अभिशाप का विपरीतार्थक शब्द है वरदान, वरदान पे देखो टिक लगा है, इसको सही कर लेना। देशभक्ति शब्द क्या होगा, यौगिक शब्द है, देशभक्ति शब्द यौगिक है, दो शब्दों से मिलकर बना है देश और भक्ति। पांचवा है क्रिया विशेषण शब्द शब्द कहलाते हैं, क्या होगा बच्चों, इसमें क्रिया विशेषण कौन सा शब्द है, अविकारी शब्द है, विकारी और अविकारी दिया है, अविकारी इसमें भरना है क्रिया विशेषण। ग देखो, ग को तुम्हें स्वयं करना है, इसको हमने नहीं भरा। निम्नलिखित तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए, इसमें लिखा स्वयं लिखो, निम्नलिखित तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखो, तुम्हारे बुक में दिया हुआ है। अश्रु, अश्रु को क्या कहते हैं, आंसू, उष्ट, ऊंट, प्रस्तर, पत्थर, मिष्ट, मीठा, अग्र, आगे, अक्षी, आग, घोटक, घोड़ा, कपोत, कबूतर, कूप, कुआं। तो इसको तुम स्वयं भर लेना, ठीक है। घ देखो दिया है निम्नलिखित शब्दों में से रूढ़, यौगिक एवं योग रूढ़ शब्द छांट कर लिखिए। ये सारे तुम्हें शब्द पढ़ाए जा चुके हैं, तुम्हारे बुक में भी दिया हुआ है। अब इसको तीन कैटेगरी इसकी बनी हुई है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। इन ऐसे ही तीन लाइन बना करके और तीनों में इन शब्दों में से छांटना कौन क्या है, ठीक है। पांचवा है
निम्नलिखित शब्द विकारी हैं या अविकारी उनके वर्ग में लिखिए। ऐसे ही तुम विकारी और अविकारी वर्ग बनाना और इसमें लिखना कौन सा शब्द कौन है, विकारी है या अविकारी। माता, सुभाष, इसलिए, के पास, जल्दी, यहाँ, मोटापा, पढ़ना, उन्होंने, लेकिन। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें तुम अपनी कॉपी में कर लेना और बहुत ही सुंदर ढंग से, शुद्धतापूर्ण ढंग से, क्योंकि व्याकरण तुम्हें शुद्धतापूर्ण ढंग से लिखना सिखाता है। ठीक है बच्चों, तो इसको तुम लोग अपनी कॉपी में पूरा कर लेना। हम लोग सोमवार को फिर अगला पाठ शुरू करेंगे, पाठ 4, क्योंकि व्याकरण से ही हमें पढ़ना है, व्याकरण ही पाठ 4 पढ़ा जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट।